नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिलों में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद अब देश की राजनीति गर्मा गई है। लगातार बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है तो ममता सरकार भी अपनी सफाई दे रही है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान बीरभूम हिंसा पर आया है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसा पर दुख जताया है। पीएम का कहना है कि ऐसे जो चीजें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत हुआ। साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को दोषियों को सजा देनी चाहिए, केंद्र सरकार हर संभव मदद राज्य सरकार की करेगा। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि जनता ऐसे आरोपियों को माफ ना करे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि ममता सरकार को पूरी मदद दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से और वो दोषियों पर कार्रवाई करें। आपको बता दें कि जब से हिंसा भड़की है माहौल वहां पर ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस नेता भादू शेख की हत्या के बाद 8 लोगों को जिंदा जलाने के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बीरभूम जिले के बागुटी गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों के मन में डर है कि कहीं दोबारा ऐसी घटना हुई तो वो भी जिंदा नहीं बचेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर माहौल है, स्थिति तनावपूर्ण है। ममता सरकार ने वहां पर पूरी तरीके से तैनात कर दिया है पुलिस वालों को और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से ये माहौल काफ़ी गर्म है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से 8 लोगों को घर में बंद करके जिंदा जलाया गया उसके बाद देश की राजनीति पूरी तरीके से गर्माई हुई है। ममता सरकार पर लगातार आरोप लग रहा है, बीजेपी उन पर हमलावर है, इस्तीफे तक की मांग कर दी गई है। तो वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ममता सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे, जो भी दोषी हों उनको सजा दी जानी चाहिए, केंद्र सरकार से जो भी मदद होगी राज्य सरकार को की जाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी घटना पर संवेदना जताई है।